हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्री इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं हंसराज रघुवंशी जी का गाना कृष्ण जन्माष्टमी सॉन्ग, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इसके कहने के मुताबिक इसने सुना है, तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, हेडफोन लगा के तो और मतलब मैंने नहीं सुना। ये मिसडब भी हो गया हमारे से, नहीं तो हमने कल ही कर देना था ये तो। बट कोई नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब वाला सीन है अपना, ठीक है। हमारा जब मूड बन जाए, हमें जब जो चीज दिख जाए हम कर देते हैं रिएक्शन। अकाउंट फट रही है। और ये किया है टू डायरेक्टर्स, इनकी तरफ से हमने मैंने पहले भी वीडियोस देखी है, बहुत प्यारी वीडियोस करते हैं ये। फिलहाल वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सुन लो कि इंस्टाग्राम का पेज बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और पैसा दो इस गरीब को। बिग पी बुक देखनी होगी इसको दे देना, ठीक है। फिलहाल वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसकी कोई नेगेटिव फोटो देखनी होगी उसके लिए पैसा लगेगा। चल ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। भी नहीं, दोनों की बकवास सुने। ओ नाइस। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी। नाइस। प्यासी है जी कब से अखियां बरस दिखाओ कभी। नटखट गोविंदा नटखट गोपाला, गई अचराए बोलो कौन है ये ग्वाला। नटखट गोविंदा नटखट गोपाला, गई अचराए बोलो कौन है ग्वाला। प्यार की भाषा जरा हमें भी सिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी। प्यासी है जी कब से अखियां दर्स दिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी। प्यासी है जी कब से अखियां दर्स दिखाओ कभी। इनकी एक खासियत है हंसराज रघुवंशी जी की, कि भाई इनमें ना स्मूथनेस बहुत है। इतने स्मूथली गाने का मतलब इनका ये रहता है, टेक्सचर रहता है। कि अब देखो इसका एक बेनिफिट एक मैं बोलूंगा कि सुबह जब भी आप किसी कोई भी काम पे जाते हो, ठीक है, बजा लो, ठीक है, ऑफिस ओपन किया है, प्ले कर दो, पूजा हो रही है, प्ले कर दो, है ना, अलग ही वाइब क्रिएट करता है इनका। आवाज है ना, आवाज में तो भाई बहुत प्यारा है, वो भगवान की देन है, क्योंकि इनके गाने भी वैसे होते हैं। मैं एक चीज बोलूं कि पहले मतलब मैंने लास्ट टाइम मैंने ना पिछले साल सुना था इनको, ठीक है, पिछले साल जब ये गाना आया था ऊंची ऊंची वादी, ठीक है, उसके बाद जब मैं इनको सारे गाने वॉच किए ना मैंने, भाई क्या लेवल था ये तो। क्या हुआ? ऊंची ऊंची वादी लास्ट साल हो जाता है यार, थोड़ा उसको आते आगे पीछे। ये मैंने अब भी सुना, ऊंची ऊंची वादी बोला तेरे को, क्या हो गया? लास्ट साल किसने बोला फिर? अबे यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इडियट है बहन के लोड़े, नहीं पता लगता। हो जाती कई बार, मतलब मैं तेरे ऊंचो। अबे यार भगवान वाला गाना लगा, एक ऊपर से गालियां तुम करवा लेते हो मेरे से। हां सही बात है, बुरा लग गया। हां ले वेरी गुड, टैलेंट ऐसा बड़ा रहना चाहिए। लूट बहुत प्यारी बजाई है। बचना रे बचना काना रंग लगाए, बरसाने के सभी रास्ते सजाए। माखन मटकी रे अपनी बचा लो, मटकी फोड़ के नाच न जाए। प्रीत का ये रंग जरा हमें भी लगाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी। जी कब से अखियां दर्स दिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी। प्यासिया जी कब से अखियां दर्स दिखाओ कभी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बच्चा भी प्यारा लिया। गिटार भी बहुत प्यारा। लेफ्ट वाले बंदे को देखना, एक्टिव भी नहीं है वो बेचारे, को बजगी हुई है जैसे उसकी, देखना उसके एक्सप्रेशन, देखना लेफ्ट वाले के, ध्यान नहीं है उसका, कैमरे में भी आएगा। तुम्हारी लीला कोई समझे ना समझे, माया तुम्हारी से के। उतना एक्टिव नहीं है वो, एक्टिव नहीं है उसका। फिर से लगाओ। हाँ तू पकड़ ले, फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है। लीला कोई समझे तो जो मर्जी बोल, कमी है स्टेप तो वो कर ही रहा है,
एक्सप्रेशन देख उसके, मैं वो बोल रहा हूँ वो नहीं दे रहा, बट ऐसे भज्जी पड़ी मैंने तो एक्सप्रेशन की बात की है, नहीं था वैसा कोई यार, ध्यान से देख ऐसे करके ऐसे रे बोला मार दे ना, तुम्हारी लीला कोई समझे ना समझे, माया तुम्हारी से कैसे कोई बच ले, प्राण जो मैंने तुझको अर्पण किए तो प्रेम रंग क्या है ये जाके समझे, मीठी मन मोहिनी मुरली मेरे लिए भी बजाओ कभी, मेरे घर आओ कभी, कब से अकेला दिखाओ कभी, सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, प्यासी जी कब से अकेला रस दिखाओ कभी, फ्लूट तो बहुत प्यारी बजाई है, वो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं किसने बजाई है, गिटार भी बहुत प्यारी है, ये जो सेटअप वगैरह बनाया ना जैसे बीच में म्यूजिक का, अच्छा म्यूजिक तो अपने ही भाई इनका तो सुना हुआ है हमने, डीजे स्ट्रिंग्स का पंजाबी गानों में काफी इनका नाम सुना है मैंने, तो लिरिक्स कंपोजर थे दीपांशु जैन, बहुत प्यारे लिरिक्स तो बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे, कॉम्पोजिशन भी अच्छी थी, डायरेक्टर्स थे अपने नीरज के राठी एंड सोही सैनी, मतलब ये दो है दोनों भाई डायरेक्शन करते हैं, वीडियो बाय टू डायरेक्टर्स इनका इन्होंने नाम रखा हुआ है, एडिटर डीआई थी सोनी सैनी, मतलब सोही सैनी नहीं एडिटर डीआई किया, बहुत प्यारा एडिट भी था, डीओपी थे राहिट रावित या राहिट ऐसा कुछ है नाम है भाई, ऊपर नीचे होगा तो माफ कर देना ठीक है, अनपढ़ है हम हो जाता है, फ्लूट आते हैं मैं तुझे को बोल रहा था ना अपना पन्ना पन लग रहा था फ्लूट में, उधर नाम पढ़ फ्लूट प्रीत अपने पंजाब से ठीक है, इन्होंने ओहो गिटार ये रे दोनों बंदों का मतलब मेरे पास कॉन्टैक्ट भी है इनके, फ्लूट प्रीत से तो मेरी मतलब बात होती भी है बीच बीच में, गिटार है गुरसिमरन मतलब इनका प्रॉपर मेरे को पेनेसर ऐसे कुछ है, बट ये बहुत इन्होंने इतने मैक्सिमम पंजाब इंडस्ट्री के जितने गाने हैं ना मैक्सिमम जितने गिटार इनकी होती रही है, हमने भी इनसे गिटार करवाई हुई है एक गाने में ठीक है, और वो जो उसमें पाजी नवाफा जी का नहीं है सोने उसमें गिटार इन्हीं की है, मतलब हमने खुद भी गाने करवाए हुए इन्हीं का यूज हुआ है, और फ्लूट प्रीत से हमने फ्लूट भी करवाई, हमने खुद काम करवाया बहुत प्यारा, और कोरियोग्राफर है अपने रानी शाह बढ़िया थी, तो बट एक दो शॉट में वो लड़के का थोड़ा सा लगा हमें, तो अदरवाइज बाकी तो हर जगह ठीक था, और डीओपी को डीओपी और डायरेक्शन वालों को इस चीज़ का मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बच्चे के शॉट बहुत प्यारे निकलवाए उन्होंने, मतलब नेचुरल लग रहे हैं वो, बनावटी नहीं लग रहे थे, बहुत प्यारा था वो भी ठीक है, बाकी यही था हमारा वन टेक फर्स्ट रिएक्शन कृष्ण जन्माष्टमी सॉन्ग जो कि हमारा आज आया है, कल जन्माष्टमी निकल चुकी है बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया है कल आना था तो आज आ गया, एक ही बात है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए थ्री इडियट्स रिएक्शन, रैप पली करें एंड पीस आउट।